इंग्लैंड के क्रिकेटर जेम्स विंस उनकी पत्नी और दो बच्चों के साथ हैम्पशायर क्रिकेट क्लब के हेडक्वार्टर के नजदीक एक शहर में रहते हैं, लेकिन उनके परिवार को किसी की नजर लग चुकी है। जेम्स विंस ने अपने घर पर लगातार हमलों के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। लगातार उनके घर और गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। जेम्स विंस ने भी खुलासा किया है कि इन सब घटनाओं की वजह से उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा है। जेम्स विंस के घर पहला हमला 15 अप्रैल 2024 को हुआ, तब वो अपनी पत्नी के साथ सो रहे थे। इस दौरान हमलावर ने घर पर पत्थर मारे और उनकी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। द टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में विंस ने बताया कि मैं और मेरी पत्नी अचानक तेज आवाज और अलार्म बजने से जाग गए थे। हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जाहिर तौर पर यह बहुत परेशान करने वाली घटना थी, इसलिए हम सीधे बच्चों को सुरक्षित करने के लिए वहां से ले गए। वो बहुत सहमे हुए थे। इसके बाद जेम्स और उनकी पत्नी एमी ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची हमलावर गायब हो चुके थे और मामले की जांच अभी भी जारी है। इस घटना के बाद जेम्स विंस ने अस्थायी रूप से घर छोड़ दिया, लेकिन घर लौटने के लगभग एक हफ्ते बाद यानी 1 मई को एक बार फिर से हमला हुआ। हमलावरों ने ईंटों का इस्तेमाल किया, जिससे दोनों कारों और घर की खिड़कियां एक बार फिर टूट गईं। जब यह दूसरा हमला हुआ तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के उनके साथ ही क्रिस वुड डिनर करके आधी रात में लौट रहे थे। इस दौरान विंस जाग रहे थे, जिसके चलते हमलावर जल्दी वापस लौट गए थे। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, इसमें हमलावर की पहचान नहीं हो सकी है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे हमलावर उनके घर में तोड़फोड़ कर रहा है। जेम्स विंस ने साल 2015 में इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक इंग्लैंड के लिए 13 टेस्ट और 25 वनडे मैच खेले हैं। टेस्ट मैचों में उन्होंने 548 रन बनाए हैं। इसके अलावा वनडे में उनके नाम 616 रन दर्ज हैं। 17 T20I मैचों में उनके नाम 463 रन हैं। इसके अलावा वो 2019 में वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का भी हिस्सा थे। दूसरी ओर वो हैम्पशायर क्रिकेट क्लब के लिए साल 2009 से ही लगातार खेल रहे हैं।